प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने के बाद से ही इसे लेकर बहस जारी है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर के अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है, जो इस पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। समान नागरिक संहिता के मॉनसून सत्र में पेश होने पर संसद में सियासी घमासान मचना भी तय है। पीएम मोदी की यूसीसी का जिक्र किए जाने के बाद से बीजेपी पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर है। संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लॉ कमीशन के प्रतिनिधियों और केंद्रीय कानून मंत्रालय को 3 जुलाई को बुलाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्थायी समिति के शेड्यूल बताता है कि 14 जून को जारी किए गए नोटिस में हितधारकों से उनके विचार मांगे गए थे, जिस पर अब पर्सनल लॉ का रिव्यू किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 2023 का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। सत्र के 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। ये नए संसद भवन में पहला मॉनसून सत्र होगा। सूत्रों का कहना कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक जुलाई महीने की शुरुआत में हो सकती है। इस बैठक में मॉनसून सत्र की तारीखों को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी समुदायों के लिए एक कानून लाने की बात कही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध करते हैं। संसद की एक स्थायी समिति ने यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बिल पेश कर सकती है। इस मुद्दे पर विपक्षी दल पहले से भी एकमत नहीं है। कई मुख्य विपक्षी पार्टियां यूसीसी के विरोध में हैं, जबकि शिवसेना और आप ने यूसीसी में समर्थन के संकेत दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने भी यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ जाने का फैसला किया है। लेकिन भले ही कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस बिल को संसद में लाया गया तो फिर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस संसद में हंगामा जरूर करेगी, और इसके तेवर कांग्रेस ने अभी से दिखा दिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में ही पेश करती है या नहीं, क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार को थोड़ा वक्त लेना चाहिए और इस मामले पर पर्याप्त चर्चा करने की जरूरत है। चर्चा करके सभी की राय को शामिल करके एक नतीजे पर पहुंचकर इस बिल को पेश किया जाना चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार का इस बिल को लेकर के क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर सरकार पर हमला लगातार बोला जा रहा है। वीडियो डेज अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।